सिगरेट दे दियो भैया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। आई ट्राइड स्मोकिंग फॉर 30 डेज स्ट्रेट। ये कोई प्राउड होने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारे भाई ने सुट्टे पे सुट्टे जलाए हैं पिछले 30 दिन में। ये पोस्ट आई थी कम्युनिटी पे एक महीने पहले, उसमें पूछा लोगों से कि भाई क्या ये वीडियो आपको चाहिए, देखो कितने सारे वोट थे इसमें। तो देखो, वीडियो तो बनानी पड़ेगी। अब आप चैनल पे आए हो इंडियन कैलिस्थेनिक्स के, तो यहाँ ये नहीं बोलना, देखो बहुत आसान है हर चैनल के लिए कि आप स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग से होता है ये होता है ये होता है। अपने पे किस किस ने एक्सपीरियंस करा है? मैंने करा है, आप लोगों के लिए करा है। देखो, इस वीडियो में ना हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, कैसे स्मोकिंग ने मेरी बॉडी पे इफेक्ट करे, क्या क्या चेंजेस मुझे फील हुए, और जो जो चीज़ें हमें पता है कि स्मोकिंग से ये 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 होता है, क्या वो सच है, क्या वो सिर्फ 30 दिन में ही दिखनी स्टार्ट हो गई मुझे, इस वीडियो में सब कुछ कवर होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। जैसे ही स्टार्टिंग में बंदा स्मोकिंग स्टार्ट करता है ना, तो अपने मन में पहला परसेप्शन नहीं आता है, मैं कोई चेन स्मोकर थोड़ी बनूंगा ना, वो तो और लोग होते हैं, मैं तो ऐसी एक आध बार पीऊंगा कभी हफ्ते दो हफ्ते में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा तो एम ये था ना कि मुझे रोज़ पीनी है 30 दिन तक, तो मैंने वही चीज़ करी। स्टार्टिंग में मेरे से नहीं पी गई, खांसी वासी आई, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। 2 से 3 दिन लगे थे मुश्किल से, उसके बाद मज़ा आने लग गया, समझ में आया, पर रियलाइज़ हो गया कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ। अगर कोई इतनी टॉक्सिक चीज़ में मज़ा आ रहा है तो भाई वो तो गलत है ही पहले से। अब चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, 3-4-5 दिन हो गए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें फेस होनी स्टार्ट हुई? नंबर 1, टेस्ट एंड स्मेल। जला जला टेस्ट आ रहा है पूरे टाइम, देखो कुछ भी कुल्ले कर लो, सेंटर वेस्टर वालों, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, अजीब सा टेस्ट स्मेल आपका रहेगा ही। दूसरी चीज़ आती है कि आपको खाने में टेस्ट कम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेसिकली जब आप स्मोक इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो स्मोक को, तो आपके जो सेंसेस होते हैं ना वो थोड़े से डल हो जाते हैं, तो उस वजह से आपको टेस्ट नहीं आता, आप खाने में नमक तेज खाने लग जाओगे, समझ रहे हो। ये चीज़ें तो देखो एक्सपीरियंस हुई है मेरे को, स्टार्टिंग के 6 दिन में ही हो गई थी ये स्टार्ट बहुत अच्छी तरह से। इसके अलावा जो आप में से स्मेल आ रही है, देखो आप कुछ भी कर लो, कितने ही परफ्यूम लगा लो, नहा लो धो लो, स्मेल तो आप में से आएगी। अब आप डरे डरे रहोगे, चलो मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को अपने घर वालों से भी बच के रहोगी, वो खुश स्मेल छूंगे तो फूट पिट जाएगी अभी बहुत मिनट से पहले, तो वो सारी चीज़ें भी आती हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ आती है, जो मेन अब यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो चीज़ें वर्कआउट को इफेक्ट करी हैं करेंगी आपको, सबसे पहले लॉस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं आ रही थी। अगर मैं थोड़ा सा, जहाँ मैं मसल अप 16 मार लेता था एक गो में, मेरे सेट होते थे 15 के 3, ठीक है, 16वां मेरा PR होता था उस टाइम पे, लेकिन जैसे ही स्मोकिंग स्टार्ट हुई वो 16 से सीधा 12 आ गया, 4 मसल अप खा गया स्मोकिंग मेरी, समझ रहे हो। तो अगर ये इतना बड़ा इफेक्ट सिर्फ एक हफ्ते में हो गया है ना, तो आप ये सोच रहे हो कि एक साल तक करता तो क्या होता, समझ रहे हो आप। तो जो भी बंदा स्मोक करता है भाई, पहले ही एडवाइस ले लो, क्विट इट राइट नाउ। अगर क्विट करने में कोई भी हेल्प चाहिए आपको, तो यू कैन चेक दिस वीडियो आउट, भाई आपके लिए सब कुछ है, आपके लिए एक्सपीरियंस कर रहा है बंदा, उसके बाद अब पता है कितना आराम से छोड़ भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना कभी जिंदगी में दोबारा पीऊंगा, बकवास चीज है, इतनी चीज़ें वेस्ट कर लेना अपने पे। जो जो से लोग सिगरेट पीते हैं भाई, बहुत बड़ा सजेशन है, मत पियो, कोई फायदा नहीं है। ओकेजनली पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर कोई पी रहा है ना तो बहुत गलत है। अब एक हफ्ते बाद की चीज़ें हो गई, अब मैं बताता हूँ 2 हफ्ते बाद क्या हुआ। 2 हफ्ते बाद ये हुआ, स्टेमिना गया, एंड्योरेंस गई, बेसिकली मैं पूरे वर्कआउट करने के बाद भी ऐसे खड़ा रहता था, आ जाओ एक और कर लेते हैं, घर चलते हैं, मस्त डाइट लेते हैं। यहाँ अब पता है कैसी हालत हो रही थी, आधे वर्कआउट के बाद ऐसी हालत थी, वो भाई ये क्या कर लिया कैलिस्थेनिक्स के, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया। लोग हल्के में लेते हैं कि स्मोकिंग से तो कुछ नहीं होता, भाई बहुत ज़्यादा होता है। आपको इसलिए नहीं पता चल रहा स्मोकिंग से कुछ हो रहा ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप स्मोक करते हुए ही आपने स्टार्ट कराया वर्कआउट। आप स्मोकिंग छोड़ के देखो, उसके बाद अपने वर्कआउट पर रिजल्ट्स देखना। अगर आप इतना कर पा रहे हो ना स्मोकिंग छोड़ते, इतना करने लग जाओगे, और अगर आप इतना करते हो स्मोकिंग शुरू होते इतने पे आ जाओगे, तो इस चीज़ को समझो। और जो मैंने ओकेजनली बोला ना, ओकेजनली का मतलब ये नहीं कि रोज़ ओकेजन चल रहा है, आज इसका बर्थडे, ओहो आज तो ट्यूजडे, शिट वो पी लेते हैं, ऐसे नहीं होता। साल में 1, 2 या मैक्सिमम 3 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं है, ज़िंदगी भी जियो। ये नहीं कहूँगा बिल्कुल जीरो कर लो, करो लेकिन लिमिटेड, बहुत ज़्यादा लिमिटेड, कूल, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर गोल्स। बोलते थे क्या वीडियो में फाके ले गया। इसके बाद और जो चीजें फेस हुई, लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आ रही है सही से, इज इट अ पॉइंट, सीरियसली। देखो ये चीज भी हो सकती है कि थोड़ा साइकोलॉजिकल भी मुझे था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था स्मोकिंग से क्या क्या इफेक्ट्स बॉडी में होते हैं, तो मे बी उस चक्कर में मेरी बॉडी थोड़ा ओवर थिंक भी कर रही थी। बेसिकली हो सकता है ये मुझे हुआ, आपको ना भी हो, लेकिन आपको पीनी क्यों है सिगरेट, मतलब ये वीडियो अच्छे उसके लिए, ये नीचे लाइन पढ़ दो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हर मूवी में भी आप ये देखते हो, जो आप देखते हो ना, माय गॉड रवि सिंह सुट्टा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा, नहीं नहीं
कबीर सिंह का गोल मसल अब मारना नहीं है, आपका है, समझ रहे हो? तो ठीक है, स्मोकिंग नहीं करनी है। और चीज़ें जो फेस होती हैं वो है लेजीनेस, क्रैंकीनेस, बेसिकली लैक ऑफ स्लीप हुई, उसके बाद थोड़े आप इरिटेटेड से उठे, वैसे भी इरिटेटेड हो, उसके बाद कोई किसी जैसे घर के छोटे मोटे काम होते हैं, घर वाले कुछ बोल देते हैं, बेटा ये कर दे वो कर दे, आप नहीं करोगे, आप अजीब सा हो जाएगा मन, मतलब ऐसे ही, और अगर आपने काम करा उसके बाद अब तो सुट्टा ब्रेक चाहिए मेरे को, शिट ऐसे कैसे मजा आएगा सुट्टा मार के, तो बेसिकली ना आपके बैक ऑफ द माइंड में एक चीज़ चलती रहती है कि यार अब तो सुट्टा मारना है। ये अगर कोई स्मोकर है ना तो इस टाइम पे फील कर रहा होगा, हर थोड़ी देर बाद खुद मन करता है कि यार एक मार लेते क्या दिक्कत है, तो वही दिक्कत है, समझ रहे हो? क्या दिक्कत है, नहीं यही दिक्कत है। तो ये तो सारे वर्कआउट रिलेटेड वो थे हार्मफुल इफेक्ट्स जो एक बंदा फेस करता है। इसके अलावा कैंसर वैंसर तो आपको सब पहले से पता है, इसलिए उस वीडियो में मैंने वो वाली चीज़ें तो कवर ही नहीं करी, वो चीज़ें मैंने क्विट स्मोकिंग वाली वीडियो में फिर भी कवर करी हैं, तो उसको आप देख लेना, ठीक है? और बाकी तो मुकेश कह के थक गया कि मैंने इतने साल गुटखा खाया, मैंने इतने साल सिगरेट भी, तो भाई सीख लो उस चीज़ से। ये 30 दिन जो मैंने लिए ना, मुझे पता है मैंने कैसे लिए थे, लेकिन मेरा मन था। देखो मैं इस चैनल का मेरा एम यही है, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं ना वो हम पहले खुद पे ट्राई करते हैं हमेशा, जो हम ट्यूटोरियल्स भी डालते हैं ना इनफैक्ट मूव्स के, वो भी हम पहले खुद पे ट्राई करते हैं। अब जैसे वेदांत ने बल्किंग वाली वीडियो बनाई थी, तो उसने पहले डर्टी बल्क करा, अब अगली वीडियो उसकी आने वाली है बहुत जल्दी लीन बल्क की, 90 दिन ट्रांसफॉर्मेशन के होने वाले हैं, तो भाई उसके लिए भी वेट करो। तो देखो टू समराइज ऑल ऑफ दिस, इतने सारे पॉइंट्स थे, ये सिर्फ 30 दिन में स्टार्ट हो गए, तो अगर कोई बंदा 2 महीने 3 महीने 1 साल और 4 साल से पहले से पी रहा है तो वो कहाँ होगा, ये सोचो ना। खांसी, दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट, खांसी, कफ, इची आइस, रनी नोज, जो कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम्स होते हैं ना वो सब आने शुरू हो जाएंगे आपको मोर फ्रीक्वेंटली, अगर आपको साल में एक बार होता ना महीने में एक बार होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो खांसी वासी ये मतलब बेसिकली आपकी बॉडी में कुछ बचा ही कहाँ, ऊपर से स्टार्ट करा नाक अजीब सी, आंखें मतलब ऊपर से स्टार्ट करा तो आँख पहले आएंगी, आंखें अजीब सी, इची सी, रनी नोज, उसके बाद कफ, अजीब सा टेस्ट, उसके बाद स्टेमिना, उसके बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसके बाद एंड्योरेंस, उसके बाद लैक ऑफ स्लीप, उसके बाद लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब देख रहे हो कुछ तो बचा ही नहीं ना बॉडी में, वो जरा सा सुट्टा जो आप मस्त देखिए ये तो 2 मिनट में धुआं छोड़ गए, तो बहुत गलत चीज़ है भाई, धुआं लिया नहीं जाता, धुआं दिया जाता है, और वो धुआं निकलता है कब, जब पसीने आते हैं ना मसल ऐसे ऐसे हल्की हल्की हीट छोड़ देते हैं, वो धुआं चाहिए, ये सुट्टे वाला धुआं नहीं चाहिए। अब मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो चेक करो, उसके बाद ये वीडियो चेक करो, फिर ये दोनों वीडियो चेक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे बताओ, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे बताओ, अगली वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।